अमन आकाश शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो माय डियर यहां पर आपको ओल्ड रेशियो दिया है 2:3। तो क्या हम लोग कह सकते हैं अमन का रेशियो 2:5 है और अतुल का रेशियो 3:5। इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दिया है जिसमें क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, कैश कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर स्टॉक असेट में जाएगा। दे एग्री टू एडमिट अतुल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब ये हमारा बैलेंस शीट का डेट बन जाएगा। अतुल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। माय डियर जो अतुल है उसको कितना हिस्सा चाहिए फ्यूचर में? 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है वो, ही शैल ब्रिंग 75,000 एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो क्या क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल, तो सर कैपिटल की एंट्री तो आपको पता ही है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट, अतुल कैपिटल अकाउंट। तो कितना कैपिटल ला रहा है बेटा वो? 75,000 कैपिटल, 75,000 क्रेडिट। नाउ सेकंड, गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल का अमाउंट कितना है? 60। तो एंट्री आएगी गुडविल के कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और तीसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब अमन और आकाश दोनों में क्या करेंगे बेटा? हम लोग डिवाइड करेंगे अमन कैपिटल अकाउंट आकाश कैपिटल अकाउंट। बट इससे जो इस 60,000 अमाउंट है बेटा गुडविल का, अब इसको डिवाइड करते समय हम लोग क्या याद रखेंगे, कौन से रेशियो में बटेगा बेटा? सेक्रीफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस। तो उसके लिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस ऑफ वन चाहिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ वन चाहिए। सर कैसे मिलेगा? 1 माइनस नया पार्टनर 1/4। सो कैन वी से 3/4, 4 1s are 4, 4 minus 1 3। उसके बाद आपको निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। पहला कौन है? पहला अबन 2/5। बैलेंस ऑफ वन कितना है? 3/4। कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 3s are 6, 5 4s are 20। आगे आकाश, आकाश का कितना? 3/5 इंटू 3/4, 3 3s are 9, 5 4s are 20। और जो तीसरा पार्टनर है अतुल, उसको हम लोगों को रेशियो क्या करना है? सिर्फ एडजस्ट। तो अतुल का रेशियो 4 का है, नीचे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 20, 20 आ रहा है ना, तो इधर भी क्या चाहिए? 20। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाइड करो कि 20 आया, 4 5 20, तो ऊपर भी 5। मतलब मेरा न्यू रेशियो कितना हो गया? 6 9 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या निकालने बोला है? सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो गुडविल के लिए। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला अमन, ओल्ड क्या बेटा? 2/5, न्यू क्या है? 6/20। क्र�स मल्टीप्लाइड 22 जा 40, 6 5 जा 30, 25 जा 100। सो कैन वी से 10/100? यस सर। सेम आकाश का भी निकालना है। आकाश का रेशियो क्या है? 3/5 है ना? नहीं, इधर आकाश आएगा। ठीक है, आकाश का 3/5 और यहाँ पे न्यू रेशियो 9/20 क्रॉस मल्टीप्लाई 23 जा 60, 5 9 जा 45, 100। तो ये आएगा 15/100। तो क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं 10 और 15 कैंसिलेशन का, तो 2/3
तो ये मेरा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 2/3 मतलब 2/5 और 3/5 तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 12 25 60 12,000 12 2 24 12 3 36 तो ये हमारा हो गया। आपको बशर्ते करना क्या, ये तीन एंट्री का खाली क्या करना है, पोस्टिंग, दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 90, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था जरा देखो, 75,000 अभी कितना हो गया 90, 75 इनर में 90 आउटर में 15 बढ़ गया एप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10% फर्नीचर पर आप कर सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल इज मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, ये भी आपको पता है। स्टॉक इज वैल्यूड एट 165, ये भी आप लोग कर लोगे। लास्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड द एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट माय डियर। यस, इसके पहले के जो सम किए थे सेम वैसे ही करना है। तो मैंने आपको बताया जब न्यू कैपिटल में एडजस्ट करने बोलेगा तो टारगेट किसको बनाने का, न्यू पार्टनर को। तो सबसे पहले बेटा नया पार्टनर कौन है, सर अतुल। तो भाई साहब अतुल तुमने ये क्या किया 1/4, ठीक है। इस वन के लिए आपने कितना कैपिटल लाया है 75, तो डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल 75 × 4 3 लाख हो गया है ना, 75,000 × 4 कितना का 3 लाख। अब आपका टोटल न्यू रेशियो मालूम है क्या है 695, तो डिवाइडेड बाय 20 करो तो आपका शेयर क्या आ गया सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसल 315 जाता 15,000। आपके पास टोटल कितने लोग हैं, 3, अमन, आकाश, अतुल। अमन आकाश अतुल 15,000 15,000 15,000 न्यू रेशियो 695 15 6 90 15 9 135 15 5 75 ये आपका हो गया कैपिटल, ये आपका क्या हो गया कैपिटल। अब ये कैपिटल कहाँ आएगा, लायबिलिटी में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या जाएगा, वो बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। और इसके बाद आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा टैली होने के टाइम पर इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू लोन अकाउंट। वहां पर देखो बोला हाँ बैंक या कैश की जगह पे क्या आएगा, लोन। अब वो डिफरेंस आपका डेबिट में भी आ सकता है क्रेडिट में। सर अगर वो डिफरेंस मेरा डेबिट में आया तो कहाँ डालूंगा, लायबिलिटी में, और अगर वो डिफरेंस मेरा क्रेडिट में आया तो कहाँ डालूंगा, असेट। मैटर करता है कि किसका कहाँ पर आता है, डजंट मैटर। डेबिट में आया तो सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा और अगर क्रेडिट में तो सेकंड इफेक्ट असेट में जाएगा, बाकी सब में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो लोन है उसकी जगह पर कैश भी बोल सकता है, बैंक भी बोल सकता है। डिफिकल्टी कालगी एंड कलशा वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 3/4 1/4 मतलब यहां पर दो पार्टनर है कलगी और कलाशा, कलशा जो भी बोलना है, ठीक है। अब इनका अपने को ओल्ड रेशियो दिया बेटा 3/4 1/4 तो 3/4 1/4 आगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या क्या दिया, क्रेडिटर लायबिलिटी में ही जाएगा, जनरल रिजर्व रेशियो में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट कैपिटल के क्रेडिट साइड आएगा। असेट पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल असेट कैश एट बैंक असेट है ना, उसका अगर अकाउंट बना तो अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। दे डिसाइडेड टू एडमिट झलक ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी ये बैलेंस शीट का डेट हो गया। शी शुड ब्रिंग 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड फॉर दैट 1,20,000 एज अ कैपिटल थ्रू RTGS। उसको 1,20,000 रुपये क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना होगा। तो माई डियर कैपिटल की एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू झलक कैपिटल अकाउंट। माई डियर कितना अमाउंट, 1,20,000 डेबिट 1,20,000 क्रेडिट।
कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल शुड बी रेज्ड, अब वहां पे अंडरलाइन करो रेज्ड, रेज वर्ड दिया बेटा, रेज रेज बोला है मतलब अपने को सिर्फ कैलकुलेट करके उसकी एंट्री पास करनी है। जब रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो माय डियर ओल्ड पार्टनर कौन है? कलगी, कलगी कैपिटल अकाउंट और कलशा कैपिटल अकाउंट। माय डियर 1 लाख आपको कैपिटल गुडविल का अमाउंट कितना दिया? 1,20,000। बट यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो में आएगा बेटा। कौन से रेशियो में? ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/4, 1/4, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 30, 3 3 9, 3 1 3। कोई दिक्कत नहीं। रेस में सिर्फ कितनी एंट्री आती है? एक। अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग डन हो जाएगा, आप लोग कर लोगे। फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये भी आप लोग कर लोगे। फेवरेट एडजस्टमेंट में से एक है आपके। द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। भाई साहब अब आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो, क्योंकि उसके बिना तो आपका काम पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि झलक जो हमारी नई पार्टनर है जिसने अभी अभी झलक दिखलाया है, ठीक है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 1/5। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। इतनी बात समझ में आ गई। न्यू रेशियो में पहला कलगी, ओल्ड रेशियो 3/4 और कलशा का 1/4 इंटू इंटू बैलेंस ऑफ 1। निकाला क्या? नहीं निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे? 1 - 1/5। सर 5 में से 1 रोटी झलक का है तो बचा कितना? 4 4/5। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? यस सर। सो 3/5 1/5 और झलक का तो 1/5 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब मेरा न्यू रेशियो क्या आ रहा है? 3:1:1। अब मुझे इसके नए कैपिटल निकालने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है न्यू पार्टनर मतलब न्यू कैपिटल। सर नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, उस 1/5 के लिए भाई साहब ने कितना लाया है? 1,20,000 कैपिटल। सो हमारा क्या आएगा? टोटल कैपिटल। सो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 5। कैन वी से 6 लाख रुपीस। अब न्यू रेशियो क्या? 3:1:1 मतलब डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका शेयर आएगा 1,20,000 ही आने वाला है, ठीक है क्या? डिवाइडेड बाय 5 करके। हाँ अब कलगी कलशा झलक 1,20,000 इंटू 3 3,60,000। 1,20,000 इंटू 1 1,20,000 झलक का 1,20,000 इंटू 1 1,20,000। कोई दिक्कत? ये आपका क्या बन गया सर? ये हमारा बन गया न्यू कैपिटल। सर न्यू कैपिटल कहाँ आता है? लायबिलिटी में। दूसरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या दिखाएंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसके अलावा हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उस बैलेंसिंग फिगर को कहाँ से एडजस्ट करने बोला है? बैंक। अब वो बैंक आपका डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो बैंक के क्रेडिट में सेकेंड इफेक्ट आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट आएगा। क्लियर? उसके हिसाब से आप लोग सम करके कर सकते हो। डिफिकल्टी है क्या इसमें? यहाँ पर आपको क्या करने बोला है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनर। तो माय डियर यहाँ पे कितनी एंट्रीज बनेगी पहले ध्यान दे देते हैं। ये दो एंट्री तो आपकी बन गई। इसके अलावा एक बनेगी जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री बनेगी। उसके अलावा आपने कुछ अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किया होगा तो यहाँ पर देखोगे तो अगर आपको देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक तो एक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है और दो की वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है, एक की वैल्यू अप्रिसिएशन। तो जिसका एप्रिसिएशन है उसकी एक एंट्री, जिसका डेप्रिसिएशन है उसकी एक एंट्री। उसके अलावा 6 आपने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा चाहे वो डेबिट में आए या फिर क्रेडिट में आए उस बैलेंसिंग फिगर का भी तो सेकेंड इफेक्ट आएगा।
यानी यहाँ पर तकरीबन आपको 7 या 8 एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। डिफिकल्टी है क्या? नहीं, कर लो।